हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से थोड़ी सी देरी हो गई, व्लॉग्स बनाने में थोड़ा गैप आ गया बहुत बड़ा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। अभी अभी नेल पेंट लगा के आई थी, ऐसी हो गई। इसको पोछ ही देती हूँ ना, वरना खराब ही हो जाना है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, और वो ये थी कि हमारी जॉब लग गई है चंदन में। ये तो फिर तो इसीलिए ना, देखो 10 घंटे की जॉब होती है। सुबह हम जाते हैं 7:30 बजे और शाम को हम आते हैं 6:30 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो देखो, मतलब मोस्टली हमारी जॉब 8 to 6 है, ठीक है। तो और फालतू छुट्टियां नहीं मिलती हैं, लेकिन आज मुझे, मैं पिछले महीने, ये अक्टूबर चल रहा है ना, तो मैं पिछले महीने की 12 तारीख से कंटिन्यूसली जा रही थी। एक इंसान को एक रेस्ट तो एटलीस्ट चाहिए ही होता है। तो फिर मैंने, और मेरे कुछ जरूरी काम भी था, तो इसलिए मैंने एक छुट्टी ले ली। अभी इससे 3 दिन पहले रवीना छुट्टी पे थी, क्योंकि जो मेरे मामा हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसीलिए जाना पड़ा, मतलब जल्दी जल्दी में जाना पड़ा, तो इसलिए वो गई थी। मुझे छुट्टी नहीं मिली थी उस टाइम पे, तो मैंने आज कर रखी है छुट्टी, बहुत ज़रूरी काम है इसीलिए। और हाँ, काम के साथ साथ ना आज कैंप में मेला भी है, तो देखेंगे अगर मुझे टाइम हो पाएगा वहाँ से तो जाएंगे मेले में। कैसा वो भी मैं दिखाऊंगी वीडियो में। लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, और वो देखो, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर ऐसी कपड़ा ऐसी रहेगा वो। तो देखो, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, थोड़ा घर की सारी सफाई, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, और अभी नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता करना है। रवीना चली गई है, क्योंकि उसकी छुट्टी थी, सुबह वो जल्दी चली गई थी, तो इसलिए मैं उसको वीडियो में नहीं दिखा पाई। ब्लॉग तो मेरी दीदी जो यहाँ आई थी, इतने सारे ब्लॉग्स बनाए थे मैंने पुष्पू के साथ में, तो अब दीदी भी चली गई गुजरात वापस। दीदी, जिया जी और पुटकू तीनों गए हैं गुजरात, ठीक है, वहाँ रहेंगे आराम से। अब हम उससे बस वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, तो वीडियो कॉल में भी बात करेंगे, तो मैं भी वो क्लिप्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। घर की सारी सफाई वफाई हो गई है, उसे झाड़ू पोछा सब हो गया है, नाश्ते की तैयारी हो गई है। अभी नाश्ता करेंगे ना, हमने नाश्ता नहीं कर रखा है। मुरली मनोहर और गाइस, ये जो, अरे हाँ वो मैं इसी में ऐड कर दूंगी। क्या बोलते हैं ना, ये जो इसने शर्ट पहन रखी है ना, ये इसको गिफ्ट की थी मेरे फर्स्ट सैलरी पर। मेरी चॉइस कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी थी, मैंने इसको मतलब एकदम फिट आ रखी है इसके, थोड़ी सी मतलब लूज है, एकदम नॉर्मल अच्छी वाली। ठीक है, ये हो गया, और ये इसने ये मंगा। This is my name printed on this. I ordered this flute from Poonam Flutes. अगर आपको किसी को मंगाना है तो हम दे सकते हैं। Actually, they have a branded quality. See the quality of flute they made. यही बजाता रहता होगा, मम्मी से पूछती हूँ, देखना मम्मी जब हम लोग चले जाते हैं तो क्या ये ऐसे ही बजाता रहता है? हाँ, और क्या काम है। और मैंने इससे पहले वीडियो भी अपलोड की होगी, जो पापा ने इसको बहुत सुनाया था इसमें। अगला कृष्णा का कोई बनेगा तो इसी को बुलाना, यही बजाएगा वहां पे। मम्मी नाश्ता लेके आ गई, नाश्ता करते और थोड़ा नहा धोके फ्रेश होते, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी है। अबे कहाँ से ले गया बता तुझे। Oh
आ रही है क्या वजह। अगर आप लोग खा रहे हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, मुझे इतनी सी भी समझ में नहीं आई। अभी आई समझ में है? मम्मी को भी नहीं आई। हमें समझ में भी नहीं आई, अगर किसी को आई होगी तो बता देना। कहाँ से नहाना धोना, अभी रवीना का कॉल आया। देखो देखो तो बायोलॉजी लैब में है, तो क्या बोलते हैं अब आज की रिपोर्ट फाइनल करनी थी, मैं तो छुट्टी पे हूँ, तो पहले मैंने सोचा था हाफ डे लेके चले जाऊँगी, मतलब थोड़ी देर वहाँ काम करके वापस आ जाऊँगी, लेकिन फिर सर ने कहा कि तुम छुट्टी कर लो, रवीना ने भेज दी एक और को, पहले मैं इसको बता देती हूँ ना। इन सभी को वापस इंक्यूबेटर में डाल दो। और इन सभी को वापस इंक्यूबेटर में डाल दो। और क्या बोलते हैं एक बार फोटो भेज देना, देखती हूँ। देख दो नंबर की प्लेट है, जो तीनों है इसको तू एमएस कर दे, लीवो भी एमएस कर दे, भी एमएस कर दे, ठीक है। सीटीएक्स सीएसएस सीएफएम, ये जो चारों है ना, सीटीएक्स सीएसएस सीपीएम और सीएफएम, ये इसमें फोटो में दिखनी है, तू देख ले कैसे दिख रहे हैं। बाकी फिर एमआरपी को सेंसिटिव कर दे, एसजी जोनम को आर कर दे, और सबको सेंसिटिव कर दे, नलडेक्सिक एसिड को आर कर दे, और एनआईटी को एमएस कर दे, ठीक है। तो फिर अभी वो वहाँ रिपोर्ट फाइनल कर रही है मेरी वाली माइक्रो की, वैसे कर लेती हो लेकिन कर नहीं रही, पता है मैं आपको फिर व्हाट्सएप से बता रही हूँ। लिए अभी हम मेले में जा रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी मम्मी की तबीयत खराब, पूरी मम्मी नहीं जा रही है तो मैं और भैया ही जा रहे हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ अभी, वो रेडी नहीं हुआ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, तो हमेशा अच्छी लगती हूँ, तो पूछना क्या है। तो अभी टाइम 11:30 बजे से शुरू था मेला, और टाइम अभी कितना हो गया है, टाइम 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी घर से निकलने का कोई वो नहीं है, नामो निशान। दिख भी नहीं रहा है तू, एक तो लाइट वहां से आ रही है, आ जा फटाफट। मम्मी यहाँ पे सोई आ रहा, मम्मी नहीं आ रही, हम ही जा रहे हैं। अरे 12 बज गए, वहाँ सब हो जाएगा ना, फिर हम लोग जाएंगे। कैसे हैं? इसने पता चला कि किसका रखा हुआ सामान रखा है। डर डर के फटक रही है। मतलब ये लास्ट में होगा डिसाइड? हाँ ये लास्ट में खुलेगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना मेला। नजर कोई ना लगे, ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, मैंने देख लिया यार ब्लैक कलर का कुछ इसके पीछे रखा था, पीछे देखा, जल्दी कर इतना फोकट का टाइम ना, ये हट, मेरी नजर वहां पड़ी थी, मैंने उससे कहा ये टोपी है क्या, उसने कहा हाँ, मैंने कहा लू क्या, सामान लगा ठहरा, एप्पल से जीए बनाया ठहरा, एप्पल का वो लगा ठहरा, पहाड़ी कुछ और आए ठहरे, इतनी अच्छी चीज है, अच्छी लग रही है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे ऐसे हो रहे हैं, तो रवीना आ गई है। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, रवीना भी आ गई है वहाँ से, और अभी अभी मैं ऊपर बाबू के पास गई थी, ऊपर वो है ना लड्डू, ऊपर हमारे ऊपर बड़े फ्लोर पर रहता है, उसके पास गई थी, उससे थोड़ा मिलके आया, मजे किए। और अभी ये जो भी मैं लेके आई थी ना मेले से, रवीना ने खा लिया, इसने कुछ वीडियो बनाई नहीं, मैं ऊपर थी, मैंने देखा नहीं, इसने खा लिया। तो और एक और बात है कि आज हमारी आ गई, क्या आ गई मम्मी, मम्मी क्या आ गई, पैसे पैसे। तो आज हमारी आ गई फर्स्ट सैलरी। सो हमने कब ज्वाइनिंग की थी, हमने 20 तारीख से करी थी ना ज्वाइनिंग, तो पिछले महीने की आ रखी है, अभी इस महीने की नहीं आई है, इस महीने की भी आ जाएगी एंड तक या फिर अगले महीने तक। तो रवीना मुझे पिज्जा खिलाएगी ना फर्स्ट अपनी सैलरी का, पिज्जा नहीं खिला दे रही है, बताओ अपने पैसों के लिए इतना वो कर रही है, हद है यार, मैं क्या करेगी आगे। तो फिर फर्स्ट सैलरी आ गई है, और कल ही मैं सबसे पहले, हम सबसे पहले मंदिर के लिए बताशे लेके आएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम मंदिर में चढ़ाएंगे। ओके महसूस हुआ कि जो 5 से 6 कितना टाइम होता है, मतलब जो
है ना। आज मुझे यही हुआ, सुबह 11:30 हो गए, मैंने कहा यार रवीना के लिए तो 11:30 कितने हुए होंगे, और घर में 11:30 इतना टाइम बचा था, और फिर 4:30 हुए। हाँ मैंने कहा यार मेरे पास इतना लॉट्स ऑफ टाइम है, 4:30 रवीना के लिए क्या हो रहा होगा अभी। और जैसे फिर 5:16 हो गए, हाँ मैंने कहा यार 5:16 हो गए घर में, और रवीना के लिए तो 5:16 बस थोड़ा सा समय और है घर आने के लिए, 5:16 से तो हमें हो जाती है, 5 पे तो आई सुई। चलो मेरा फोन दे दिया।